शुड सिक्स ए स्टूडेंट शुड स्विच ऑन देयर माइक सिक्स हैव जॉइंड हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर हाउ मेनी सेक्शंस विल जॉइन टुडे थ्री थ्री जॉइंस थ्री सेक्शंस और फोर ओके सर बेटे देन वी शुड स्टार्ट यू ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड दिस असाइनमेंट प्लीज पुल इट आउट प्लीज पुल योर असाइनमेंट आउट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सभी बच्चों ने ध्यान से लेक्चर सुनना है बिकॉज आई हैव द नेम लिस्ट ऑफ योर नेम्स So in between, I will name the students and ask the questions. अच्छा बेटे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लैंग्वेज थोड़ा सा इंप्रूव करो वाई स्टार्स आर कार्ड लिखना चाहिए वाई स्टार्स आर कार्ड ल्यूमिनस फिर ल्यूमिनस के बाद ऑब्जेक्ट्स 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 भी ऐड कर दो और कार्ड भी व्हाई स्टार्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बट प्लैनेट्स एंड मून्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या बता रहा है बेटे जो मून है योर अटेंशन टीचर ने दो चीजें बनाई एक उसने मून बना के दिखाया और एक जुपिटर जुपिटर क्या है बेटे प्लेनेट दोनों के दोनों नॉन ल्यूमिनस है क्यों है नॉन ल्यूमिनस कैन एनीबॉडी टेल व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस शाबाश शाबाश बहुत अच्छे मैं कैच कर गया आपको पता है इसलिए क्योंकि ये जब भी हमें दिखाई देंगे तो पहले सन की लाइट इनके ऊपर पड़ेगी देन दे विल रिफ्लेक्ट तब हमें ये दिखाई देंगे राइट सो आइदर एनी प्लेनेट और द मून इफ दे आर विजिबल टू अस दे आर विजिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट तो इसका मतलब ये हुआ कि मून या प्लेनेट के पास चाहे जुपिटर हो मार्स हो अर्थ हो अपनी लाइट नहीं होती वो तो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं तो जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं तो पेपर के लिए लैंग्वेज क्या बनेगा आइदर इट इज मून और एनी प्लेनेट दे आर विजिबल शाइनिंग टू अस ओनली बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ सन मून और प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट दैट इज वाई दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जबकि हमारे पास जो स्टार्स होते हैं ना बेटे जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं अगर हम यहां पर अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ के ऊपर से कोई ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा है तो स्टार से डायरेक्ट स्टार की अपनी लाइट होती है ऑन लाइट जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट की वजह से शाइन करते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं तो यू विल से एनी स्टार हैज इट्स ओन लाइट बिकॉज ऑफ इट्स ओन लाइट इट इज विजिबल शाइनिंग टू अस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस क्वेश्चन नंबर वन क्या मेरे बच्चों को ये क्लियर हुआ बेटे यस और नो इफ यस रेज योर राइट हैंड आपको रूल भूल गया इफ यस रेज योर राइट हैंड इफ नो तो लेफ्ट हैंड डाउन डाउन थैंक यू इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड ओके सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन बेटे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है
देखो ध्यान से, हमारे पास चार पाइप्स दिखा रखी हैं, ए बी सी डी। इनमें से कौन सी पाइप के थ्रू ऑब्जर्वर को कैंडल दिखाई देगी? डी। क्यों बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने डी ऑप्शन चूज करा, जिसको टीचर ने बोला सही, तो डी ऑप्शन में उसको कैंडल दिखाई देगी और किसी पाइप में नहीं दिखाई देगी। कोई बता सकता है क्यों बेटे? करेक्ट। लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, और उसकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती? शाबाश, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब इस पाइप के बिना जितनी भी पाइप्स हैं वो सारी मुड़ी हुई हैं। मुड़ी हुई हैं तो मुड़ी हुई लाइट में मुड़ी हुई पाइप में लाइट अपने आप तो मुड़ नहीं सकती। ये तो हमने पढ़ा था, लाइट कैन नॉट बेंड बाय इट्स ओन। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी और सी पाइप के थ्रू कभी भी कैंडल का फ्लेम दिखाई नहीं देगा। क्या आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया? इंडिकेशन कौन सा था बेटे? ऐसे यस से नहीं, हाथ से कट बताना। इफ यस तो रेज योर राइट हैंड। शाबाश, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वो बोलता है कि एस आर क्यू पी में से सन की कौन सी पोजीशन होगी कि पैराशूट बैलून की शैडो ओ पॉइंट पर पड़े? देखो सारे बच्चे असाइनमेंट देखो बेटे, असाइनमेंट में फोटो देखो। एस आर क्यू पी में से सन की कौन सी पोजीशन होनी चाहिए कि बैलून का शेडो, एयर बैलून का शेडो ओ पॉइंट पर पड़े? आर। बिल्कुल सही, नहीं आर बेटे आर। देखो आर सही दिया इस बच्चे ने जवाब। कैसे दे दिया आर सही दिया? क्वेश्चन थ्री में अगर आर जगह पर सन होएगा ना, तो बैलून बिल्कुल उसके नीचे आ जाएगा। हॉट एयर बैलून, बैलून विल बी एग्जैक्टली बिलो दी सन, राइट? तो सन होएगा और ओ पॉइंट कहाँ शो कर रहा है फिगर में? एग्जैक्टली बिलो दी बैलून। तो जब यहां से ये स्ट्रेट लाइन में रेज ऑफ लाइट आएंगी, तो रेज ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और बीच में ये जो बैलून है ये क्या काम करेगा? ऑब्स्टेकल का काम करेगा। ऑब्स्टेकल का काम करेगा तो ओ पॉइंट पर लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बैलून का शेडो आ जाएगा। अगर सपोज करो सन की पोजीशन ये वाली होती, सपोज करो सन की पोजीशन कौन सी होती? एस वाली। एस वाली पोजीशन होती तो स्ट्रेट लाइन इधर जाती, तो बैलून का शेडो यहां जाता। तो यहां पर थोड़ी हमें ओ पॉइंट दे रखा है, हमें तो बैलून के एग्जैक्टली बिलो पर ओ पॉइंट दे रखा है। फिगर में देखो ओ पॉइंट कहां दिखाया हुआ, ठीक है, बैलून के। तो हैव यू अंडरस्टूड थर्ड क्वेश्चन, यस और नो? राइट हैंड, राइट हैंड इफ यस। मैम जिनको नहीं समझ आया उनका देखो, जिनका कोई हाथ नहीं खड़ा उनसे पूछो क्या बात, प्रॉब्लम है शोल्डर में, क्या प्रॉब्लम है? ओके डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। शाबाश, एक बार पढ़ो, सभी बच्चे पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। देखो बेटे बोर्ड पे देखो, एक बच्चा है उसका नाम है निशा, ठीक है? इसका क्या नाम है? निशा। निशा ने एक वर्टिकल स्टिक खड़ा कर दिया, ओके? तो ये बच्चा देखता है जब मॉर्निंग होती है, अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त सन यहां पर है तो 8:15 टाइम हुआ है, ठीक है? और फिर वो कहती है दोपहर, दूसरी बार वो नोट करती है सन यहां पर है, स्टिक की बिल्कुल, क्योंकि 12 नून है, 12 नून, ठीक है? इस लाइन के ऊपर सिचुएशन ए है, इस लाइन के ऊपर सिचुएशन बी है। अब बताओ जो इस स्टिक की शैडो ए वाले केस में लॉन्गर होएगी या बी वाले केस में लॉन्गर होएगी? स्टिक की शैडो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ए वाले केस में
सन की जो स्ट्रेट लाइन आएगी बेटे वो ऐसे आएगी और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन फॉलो होगी, तो स्टिक की शैडो इतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी, राइट, कितनी बड़ी हो जाएगी शैडो, है ना, स्ट्रेट लाइन में, तो इधर तो लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इतने पोर्शन पे जिसको टीचर व्हाइट कर रहा है, इतने पोर्शन पे लाइट विल नॉट बी एबल टू रीच, तो ब्लैक कलर का यहां पर शेडो दिखाई देगा, जबकि सन एग्जैक्टली ऊपर होने पर स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्टिक का पूरा बॉडी शेडो नहीं डालेगा बल्कि टॉप वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डालेगा शेडो, तो उसके बॉटम के ऊपर थोड़ी बहुत शेडो दिखाई देगी। ओके, इज दैट क्लियर? इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन प्लीज रेज योर राइट हैंड। फिर से मैं आई एम वेटिंग, जब तक आपका हैंड खड़ा नहीं होगा आई विल नॉट गो फर्दर। बेटे लिंक टूट गया शायद इंटरनेट का, जब फोन करो तो सभी बच्चों ने कौन सा ऑप्शन पिकअप करा फोर्थ क्वेश्चन का? फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा पिकअप करोगे? सर सी सी, तो 12 बजे जो शेडो होएगा वो तो बहुत छोटा होएगा, बहुत छोटा होएगा, ठीक है ना। हाउ विल द शेडो ऑफ द स्टिक टर्न ऑन इन कंपैरिजन टू 1 at 8:15? बेटे 12 बजे वाला शेडो तो शॉर्टर होएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका। फोर्थ का कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हाउ विल द शेडो ऑफ द स्टिक एट 12 noon बी इन कंपैरिजन टू द शेडो एट 8:15? 12 बजे वाला शेडो 8:15 वाले शेडो के मुकाबले बड़ा होएगा या छोटा होएगा? छोटा। तो ए ऑप्शन। अच्छे से पढ़ना है ध्यान से इंग्लिश को, ओके, तब आपने जवाब देना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि यहां पर एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड है तो यहां पर फुटबॉल पड़ा है, ये छोटे छोटे प्लेयर्स खड़े हैं, तो जब फुटबॉल पड़ा होता है तब तो उसका ये शेडो दिखाई दे रहा है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ा है तो उसका शेडो दिखाई देता है, लेकिन यही प्लेयर जब फुटबॉल को हाई किक मारते हैं यहां पर, राइट, तो हाई किक मारते हैं तो व्हाट हैपेंस, इस प्लेयर्स को फुटबॉल का शेडो दिखाई नहीं देता, नो शेडो इस केस में, और जब ग्राउंड पे पड़ा होता है फुटबॉल तो शेडो दिखता है, यस शेडो, ऐसा क्यों, इसका कारण पूछ रहे हैं वो, नो शेडो यस शेडो, तो इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो शाबाश ध्यान से सुनना बेटा, फुटबॉल यहां पड़ा है और फुटबॉल के ग्राउंड की जो लाइट्स होती है यहां पर पड़ी, ये बल्ब लगा है, ये फ्लड लाइट लगी है, ये फ्लड लाइट लगी, तो यहां से ऐसे लाइट आई इधर को शेडो दिखाने की कोशिश करेगी, यहां से ऐसे लाइट आई तो तीनों चीजें अवेलेबल है, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट, और जमीन के रूप में क्या है, ग्राउंड के रूप में क्या है, स्क्रीन। शैडो के लिए कौन सी तीन चीजें चाहिए होती हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है एज ऑब्स्टिकल यानी कि फुटबॉल, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन, ये तीन चीजें चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्स्टिकल एज ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, तीनों चीजें अवेलेबल है इसलिए शेडो दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही फुटबॉल ऊपर चला गया तो फ्लड लाइट नीचे रह गया, देखो फ्लड लाइट नीचे चला गया तो सोर्स ऑफ लाइट है, ऑब्जेक्ट भी है, फुटबॉल ऊपर गया तो भी है, लेकिन स्क्रीन कहाँ है, ऊपर तो आसमान है बहुत दूर, वो भी रात के वक्त या दिन के वक्त, दैट इज वेरी वेरी फार अवे, तो हमारे पास तीसरे वाला एस मिस हो जाता है, गॉट इट, सो व्हेन फुटबॉल गोज वेरी हाई तो देयर इज सोर्स ऑफ लाइट, देयर इज ऑब्स्टिकल एज फुटबॉल, बट देयर इज नो स्क्रीन, स्क्रीन के बिना शेडो बनेगा कहां पर, कहीं बन ही नहीं सकता, दैट इज व्हाई ऑल थ्री रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंप्लीटेड इन द सेकेंड केस व्हेन फुटबॉल इज किक्ड हाई, सो वी आर अनेबल टू सी द शेडो ऑफ द फुटबॉल।
नाउ रिप्लाई मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट. रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव. आई एम वेटिंग. विल इफ यू नॉट रेज. बेटे एक बार तो आपको हाथ बताना ही आता. शाबाश अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द सेवन सिक्स क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन ध्यान से सुनो. कहते हैं कि कोई हॉट सनी डे है. हॉट सनी डे का मतलब है चमकदार धूप वाला दिन है. आप समझ लो जून का महीना है राइट. गर्मियों में तो हॉट सनी डे है तो फुल लाइट है दिन में. हॉट सनी डे ओके. तो यहां पर एक पक्षी उड़ रहा है ठीक है, या फिर यहां पर कोई एरोप्लेन जा रहा है. तो इस एरोप्लेन का जमीन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर हमें शेडो क्यों नहीं दिखाई देता ठीक है. ऑन द हॉट सनी डे देयर इज प्लेन और द बर्ड और द प्लेन एरोप्लेन. तो लेकिन यहां पर हमें कोई भी शेडो दिखाई नहीं देता. एक बच्चा कहता है कि सर तीनों चीजें तो हैं, सोर्स ऑफ लाइट भी है, ऑब्स्टेकल भी है और ग्राउंड के रूप में स्क्रीन भी है. SOS तो पूरा हो रहा है सर. तो लाइट तो शेडो क्यों नहीं दिख रहा तीनों चीजें पूरी होने के बावजूद. तो इसका आंसर सुनो. आप कहोगे सर ये ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट भी है, ऑब्स्टेकल भी है, स्क्रीन भी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए शेडो का डेफिनेशन क्या था. शेडो का डेफिनेशन था स्क्रीन के ऊपर वो वाला एरिया जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती. करेक्ट. तो लाइट जब पहुंच नहीं पाती, अब इस केस में देखो सर सन की लाइट तो बहुत ज्यादा है, वो पक्षी के इधर से भी निकल जाएगी, पक्षी के इधर से भी निकल जाएगी. तो पक्षी का बॉडी बहुत छोटा है, ऊपर से ये स्क्रीन बड़ी दूर है. तो इसका मतलब है जो पक्षी की जो पक्षी की बॉडी ने यहां पर जगह रोकनी थी जमीन के ऊपर, पक्षी की बॉडी ने यहां पर जमीन के ऊपर जगह रोकनी थी जहां पर लाइट नहीं पहुंचनी थी, वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लाइट तो पहुंच ही रही है. सन इज वेरी लार्ज वेरी ब्राइट ऑल्सो. सो पक्षी का जो बॉडी है और एरोप्लेन का जो बॉडी है कंपैरेटिवली वो जमीन के ऊपर कोई भी डॉट नहीं देख पा ला पाता जहां पर सन सन की रेज ना पहुंचे. सन की रेज जब पहुंची जाती है तो शेडो बनेगा ही नहीं, क्योंकि शेडो का डेफिनेशन क्या था. इट इज दैट पोर्शन ऑन द स्क्रीन ऑन विच लाइट रेज डू नॉट रीच सक्सेसफुली. एक बच्चा कहता है सर वेट वेट वेट, अगर ये एरोप्लेन जमीन के बिल्कुल पास पास उड़े तब तो शेडो आएगा ना. यस अगर ये एरोप्लेन जमीन के पास जैसे जैसे ये समझ लो आप जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज ट्रीज से थोड़ा सा ऊंचा लगा तो वहां से अगर एरोप्लेन उड़ता हुआ जाएगा तब उसका शेडो जमीन के ऊपर आएगा, क्योंकि उस केस में एरोप्लेन अच्छा ऑब्स्टेकल बन पाएगा, वो सक्सेसफुली लाइट रेज को रोकने में सक्षम होगा और शेडो बनेगा राइट. तो रीजन कम से कम शब्दों में क्या बोलेंगे आप बोलोगे द बर्ड बॉडी और एरोप्लेन बॉडी इज सो स्मॉल दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग द ऑब्स्टेकल दे आर नॉट एबल टू स्टॉप द रेज ऑफ लाइट. रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन आर स्टिल रीचिंग ऑन द ग्राउंड सक्सेसफुली एवरीवेयर एवरीवेयर. एक बच्चे ने मेरे को दूसरे स्कूल में पूछा था सर फिर भी कुछ ना कुछ तो लाइट रोकेगा ये एरोप्लेन. यस कुछ ना कुछ लाइट रोकेगा. तो एरोप्लेन के बिलो जो पॉइंट होएगा ना वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम लाइट लेकर आप पहुंचने देगा, थोड़ी सी कम. तो ये वाली लाइट या इस पॉइंट पर थोड़ी सी कम लाइट है, साइडों पे थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर पाती. शेडो नहीं बनेगा. शेडो तो तभी दिखाई देगा जब उस जगह पर इफेक्टिवली लाइट ना पहुंच पाए. गॉट इट. So, have you understood the answer of sixth question? Yes or no? Reply, raise your hand, बेटे. Method आपको पता है? तो मैं देख लूँ जरा किस बच्चे का हाथ नहीं खड़ा. Yes, everybody understood? Let's move to the seventh question.
सेवंथ क्वेश्चन का जवाब आप ही दोगे, देखते हैं कौन सी क्लास देती है। सेवंथ क्वेश्चन सबसे पहले कौन जवाब देगा? रीड एंड एक्सप्लेन इट। सी ऑप्शन सर, शाबाश, सी ये ऑप्शन। बेटा लेट मी टेल यू, द विनर इज सिक्स्थ ई। सिक्स्थ ई में फर्स्ट बेंच पे स्पेक्स वाली गुड़िया बैठी है, उसने सिक्स्थ ई को विनर बना दिया। बाकी क्लासों की एक्सक्यूज मी सर, सर यस हमारी वॉइस आ रही है, आ रही बेटे, सिक्स्थ डी की भी आ रही है, पर पर हमने आंसर दिया था पहले, आ नहीं रही थी। सुनो सुनो, आपसे थोड़ा सा पहले सिक्स्थ ई ने दे दिया, थोड़ा सा। मेरे पास यहाँ टाइमर आ जाता है, तो शाबाश आपको भी। वैसे तो देखो बेटे, सी सी सभी बच्चे फिगर देखो असाइनमेंट में। सी एक ऐसी पोजीशन है, अगर सी पर टॉर्च ऑन करेंगे तो इस फुटबॉल का शेडो जमीन पर पड़ेगा, ना कि वर्टिकल स्क्रीन के ऊपर। सभी बच्चे फोटो देखो, सेवंथ क्वेश्चन के साथ एक फोटो दे रखा है, ए बी और सी तीन पोजीशंस दे रखे हैं टॉर्च की। अगर ए टॉर्च को ऑन करेंगे तब भी वर्टिकल स्क्रीन के ऊपर शेडो पड़ेगा, बी टॉर्च को ऑन करेंगे तब भी फुटबॉल का स्क्रीन पे आएगा, लेकिन सी को करेंगे ऑन तो फुटबॉल का शेडो ग्राउंड पे पड़ेगा, ना कि स्क्रीन पे पड़ेगा। करेक्ट, तो इसका मतलब है सी पर सी वाली लाइट नहीं ऑन करनी चाहिए, अगर करेंगे तो स्क्रीन पे शेडो नहीं आएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो जरा ऑप्शन बेटे। विल बी फॉर्मड और नॉट, इन विच ऑफ द केस शेडो विल बी फॉर्मड और नॉट, आपने फॉर्मड और नॉट के रूप में बताना है। बताओ कौन कौन से केस में शेडो बनेगी। यस, एट्थ ए में शेडो बनेगा, एट्थ बी में एट्थ बी में, सुनो सुनो, एट्थ बी में डिम शेडो बनेगा, डिम शेडो। एट्थ सी में, एट्थ सी ट्रांसपेरेंट है, नहीं शेडो बनेगा, ठीक है। एट्थ डी में क्या कह रहे हैं? नो, क्योंकि लाइट का सोर्स जरूरी चाहिए होता है शेडो के लिए, अगर लाइट का सोर्स ही नहीं होगा शेडो नहीं बनेगा। एट्थ ई में नो, क्योंकि स्क्रीन का प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर स्क्रीन नहीं होगा तो शेडो नहीं होगी। एट्थ एफ में, इफ स्क्रीन इज वेरी फार फार अवे, देखो वेरी फार ही है ना, पक्षी यहाँ उड़ रहा है और जमीन कहां पर, एरोप्लेन कितना ऊंची और स्क्रीन कहां पर, ग्राउंड। तो अगर स्क्रीन बहुत दूर होएगा है ना, तो भी शेडो नहीं बनेगा, राइट। तो ये सारे बच्चे देख लो, टिक वाली जगह पर शेडो बनेगा और जहां टीचर ने क्रॉस कर दिया वहां शेडो नहीं बनेगा। अब सभी बच्चे मेरे को दोनों हाथ हिलाकर दिखाएंगे अगर आपको सारे 8 क्वेश्चन समझ आ गए। शाबाश, दोनों वेव योर बोथ हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी 8 क्वेश्चंस। वेरी गुड, डाउन डाउन डाउन, थैंक यू, शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी बिकॉज यू ऑल हैव ए वेरी गुड ब्रेन। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। शाबाश बच्चे, अजर्शन रीजन आ गया। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में बोल रहा है द साइज एंड शेप ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यस और नो? करेक्ट और सर यस, ये ठीक है, अजर्शन सही है। जानते हो क्यों? अभी अभी हमने स्टिक वाला क्वेश्चन करा था, स्टिक वाला, स्टिक वाले क्वेश्चन में सन की पोजीशन चेंज करने से शेडो का साइज चेंज हो गया था, इसीलिए हम कह सकते हैं शेडो का साइज और शेप लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और लाइट का सोर्स कहां पर है, किस एंगल से लाइट आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड कर। इसका रीजन, शेडोज आर लॉन्गर व्हेन लाइट सोर्स इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट एंड शॉर्टर व्हेन लाइट सोर्स इज अवे। बोलो ठीक है रीजन या नहीं? ट्रू ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, और वो भी ट्रू है, लेकिन
क्या रीजन अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन सुनो, करेक्ट नहीं है, ठीक है? डी ऑप्शन बी ऑप्शन, बी बी ऑप्शन रहेगा बेटे, 9th का बी ऑप्शन रहेगा, बॉम्बे वाला बी। ओके, 9th का बी ऑप्शन, अजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शाबाश, सभी बच्चे बोलो क्वेश्चन नंबर 10 में अजर्शन ट्रू है या नहीं है। अजर्शन शैडोज आर ऑलवेज ब्लैक, सो सर, अजर्शन इज ट्रू, एक्सक्यूज मी सर, तो डी विनर हुआ। शाबाश। हाँ बेटे, सर यहाँ पे सर आपने बताया था, यानी कि जब सन था, जब वो हमसे दूर होता तो सर लंबी शेडोज नहीं बनती, हाँ बिल्कुल बनती, तो सर यहाँ पे ये फॉल्स आएगा क्योंकि शेडोज आर लॉन्गर व्हेन द लाइट सोर्स इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। नहीं बेटे देखो आप कैच ही नहीं कर रहे पॉइंट। इधर सुनो ध्यान से, मेरा ये सोर्स है, दोबारा से सुनो, एक बच्चे को मैं 9th क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूं। यहां पर बेटे ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, ये स्क्रीन हो गया। अगर मैं सोर्स को नजदीक ले जाऊंगा यानी डी को डिक्रीज करूंगा तो शेडो का साइज बड़ा हो जाएगा। देखो यहां से इतने पोर्शन में शेडो बनेगा, राइट। मान लो इस सोर्स को मैंने नजदीक कर दिया, ध्यान से देखना, अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूं, मैंने सोर्स को यहां से उठा के यहां कर दिया, अब ये बीच में स्टिक लगा हुआ, तो ये यहां से निकलेगी लाइट, देखो यहां से निकलेगी तो व्हाइट वाली शेडो बनेगी, फिर व्हाइट ब्रैकेट वाली। तो सोर्स को नजदीक करने से यानी डी को निक्रीज डी को इस वाले डी को गैप करने कम करने से शेडो का साइज इंक्रीज करेगा। समझ आया यस सर, आपको? आ सही गया? है। ओके चलो, अब हम देखो अजर्शन हो गया इसका, 10th का रीजन देखो, 10th का तब कलर कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट कभी भी शेडो के कलर को डिसाइड नहीं करता। बिल्कुल, 10th का ऑप्शन सी हुआ, 10th का ऑप्शन सी। ओके बहुत अच्छे, लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज प्लीज। ये केस स्टडी है, सभी बच्चे मैं चाहता हूं एक बच्चा पैराग्राफ पढ़े। 6th A में एक बच्चा है रंजीत, है ना, 6th A में रंजीत, प्लीज कम ऑन द माइक, रंजीत प्लीज कम ऑन द माइक एज क्विकली एज पॉसिबल एंड रीड दिस पैराग्राफ। बैठो, शाबाश बेटे। अब मैं इसको थोड़ा सा बता भी दूं, किसी बच्चे ने ध्यान से ना सुना हो शायद। देखो ये आपको टीचर एक ये दिखा रहे, ध्यान से देखना। मान लो ये जो मेरे हाथ में स्क्रीन है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है और ये इसके ऊपर प्लेयर खड़ा है। ओके, तो प्लेयर का शेडो यहां भी पड़ रहा है, 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 यहां भी पड़ रहा है। ऐसे मल्टीपल शेडोज एक ही ऑब्स्टिकल के मल्टीपल शेडोज पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं जानते हो, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इधर भी है, ये अपना शेडो यहां डालेगा, सोर्स ऑफ लाइट यहां भी है, ये वाला अपना शेडो यहां डालेगा, सोर्स ऑफ लाइट यहां भी है, इसका शेडो यहां आएगा।
तो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट्स सेम ऑब्जेक्ट की अलग अलग शेडोज बनाते हैं, और को जो सोर्स नजदीक होएगा वो इसकी लॉन्गर शेडो बना देगा, जो सोर्स दूर होएगा वो इसकी शॉर्टर शेडो बनाएगा। इसका मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग साइज की शेडोज बन सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सोर्स ऑफ लाइट नजदीक है या दूर है। ओके, तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वैसे ये शेडोज बनती किस प्रॉपर्टी की वजह से है लाइट की? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमिना ऑफ शेडो फॉर्मेशन? शाबाश, प्रोपगेशन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, दैट लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन द सेम स्ट्रेटमेंट। शाबाश, बी पार्ट, हाउ द सेम ऑब्जेक्ट फॉर्म्स मल्टीपल शेडोज? ड्यू टू मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लाइट। वेरी गुड, दिल खुश हुआ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट, कैन द मल्टीपल शेडोज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हैज ऑलवेज द सेम साइज? नो दे आर नॉट ऑलवेज द सेम साइज, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज डिपेंडिंग अपॉन द गैप बिटवीन ऑब्स्टिकल एंड सोर्स ऑफ लाइट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इसी का और पार्ट, द नंबर ऑफ शेडोज इफ देयर आर 10 फ्लड लाइट्स एंड ऑल फॉल द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ऑन वन साइड। टेन शेडोज। शेडोज, 10 सोर्सेज ऑफ लाइट है तो 10 शेडोज आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेडोज चेंज इफ द पर्सन मूव्स इन द सेंटर? चाहे सेंटर में मूव कर जाए, शेडोज तो उतनी रहेंगी ना। ये यस फाइव फाइव क्यों बेटे? अगर ग्राउंड के सेंटर में मूव कर गया तब भी उसको 10 सोर्सेज ऑफ लाइट तो मिल ही रहे हैं, तो यस सारे अपना अपना बनाएंगे। डू द साइज ऑफ द शेडो चेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द सेंटर? सर यस, क्योंकि ग्राउंड के सेंटर में आने पर जब मूव करता है तो सोर्स और ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस तो चेंज होएगा ही ना। सोर्स और ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस चेंज होने से शेडो का साइज चेंज होता है। दूसरा क्या तरीका था? ऑब्स्टिकल एंड स्क्रीन के बीच में भी अगर गैप चेंज हो जाए तो भी शेडो का साइज चेंज होता है। ये हमने एक्टिविटी से सीखा था। ओके, तो ये इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट है, हाउ डू प्रे प्रेज हाइड शेडोज कॉन्सेप्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स? हाउ डू दी वर्ड्स एंड एनिमल्स यूज शेडो टू प्रोटेक्ट डेंजर फ्रॉम दी अबव सच एज प्रीडेटर? हाँ देखो बेटे, ऐसे होता है, ध्यान से सुनो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मान लो एक छोटी सी चिड़िया यहाँ पर उड़ रही है। ओके, छोटी सी चिड़िया उड़ रही है और ऊपर से बड़े वाला बाज आ गया। बाज, अब इसके बाज के मन में आता है मैं इस चिड़िया को दबोच लू। अब बाज का जो साइज है वो स्पैरो के मुकाबले तो बहुत बड़ा है, राइट? अब ये छोटी सी जो चिड़िया उड़ती हुई जा रही है, इसकी बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, ये धूप को महसूस कर रही है। जैसे ही ऊपर बाज आता है तो बाज की बॉडी का शेडो स्पैरो के ऊपर आ जाएगा, तो स्पैरो के ऊपर लाइट पड़ना बंद हो जाएगा, सनलाइट। एकदम से शेडो जो स्पैरो होती है उसकी बॉडी महसूस करेगी कि पहले जैसी हीट नहीं आ रही। हीट क्यों नहीं आ रही? जरूर मेरे ऊपर कुछ आ गया। तो एकदम से ऊपर देखती है स्पैरो कि ऊपर तो बाज आ रहा है मेरे को पकड़ने के लिए, तो अपने आप को बचा लेती है। राइट बेटे, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, हाउ डू वर्ड्स एंड अदर एनिमल्स यूज शेडो टू डिटेक्ट डेंजर फ्रॉम द अबव सच एज प्रीडेटर फ्लाइंग ओवरहेड? समझ आ गया आपको? समझ आया ये वाला? यस और नो? राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड वेव करो इफ यस। ओके, डाउन डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेम टू मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया विच टेल टाइम बेस्ड इन ऑन शेडो फॉर्मेशन। बेटे ये राजस्थान के अंदर अपने हैं दोनों के दोनों। ये उन्होंने क्या करा हुआ है, देखो ध्यान से सुनो। उन्होंने एक रॉड लगा रखी है, ऐसे वर्टिकल रॉड, पुराने राजाओं ने किले में किले के अंदर लगा रखी है। वो वर्टिकल रॉड ऐसी है कि जब सन इधर आता है तो इसका शेडो यहां पड़ता है, जब सन यहां आता है तो इसका शेडो यहां पड़ता है, जब सन यहां आता है तो इसका शेडो
यहां आता है। तो उन्होंने यहां पर ना जमीन के ऊपर टाइम लिख रखे हैं कि जब शनि यहां आता है तो टाइम हो गया 10 AM, जब शनि यहां आता है तो टाइम हो गया 11:30, जब शनि यहां आ गया तो टाइम हो गया 12:10। तो यहां पर सारे टाइम लिख रखे हैं, इज दैट क्लियर? और इसका मतलब है इसको इसको सोलर क्लॉक बोलते हैं, सोलर क्लॉक। ये राजस्थान में पुराने जो राजा लोग थे इस तरह से शेडो के साइज के हिसाब से अंदाजा लगा देते थे कि इस वक्त दिन में कितना टाइम। चलो पिन होल कैमरा पे आओ नीचे, बाकी आप करोगे कुछ। पिन होल कैमरा, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दी पिन होल कैमरा? पहले रेक्टिंग ऑफ तो लाइट, पेपर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, पहले तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक कर लो। PRINCIPLE, इट शुड बी PLE। तो प्रिंसिपल बिहाइंड पिनहोल कैमरा क्या है बेटे? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द पिनहोल कैमरा व्हाट हैपेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पिनहोल इज इंक्रीज्ड? अगर ऑब्जेक्ट और पिन होल का कैमरा इंक्रीज करेंगे तो इमेज क्या बनेगा, छोटा या बड़ा? कैच नहीं करा आपने पॉइंट। इन द पिन होल कैमरा व्हाट हैपेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पिन होल इज इंक्रीज? ध्यान से सुनो, ये आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। देखो बेटे ऐसा है, मान लो ये पिन होल का बॉक्स है, फ्रंट वाला बॉक्स है, यहां पर होल हुआ हुआ है, ध्यान से सुनना अब मेरी बात। और यहां पर टीचर का बैक साइड पर ये वाला पोर्शन जहां पर टीचर अभी पेन चला रहा है, ये ट्रेस पेपर है, यहां पर ट्रेस पेपर, और ये फ्रंट पे होल है। और यहां पर हमने क्या देखा, ट्रेस पेपर के ऊपर यहां पर इमेज बनता है, मान लो ये ट्री का इमेज बना है, ट्री का, ठीक है? तो नेचुरली लाइट होल में से आई है, ऐसे आई और इधर से आई, और ये लाइट इधर से आई और ये लाइट इधर से आई, जरूर यहाँ के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई, चलो उल्टा उधर बना दी, तो ऐसे कोई उल्टी चीज है यहाँ पर, ठीक है? अब वो कह रहा है कि अगर इस गैप को मैं इंक्रीज कर दूं, डी को इंक्रीज कर दूं, तो साइज क्या होगा शेडो का बताओ? इफ डी इज, देखो बेटे ध्यान से सुनो, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को पीछे कर दूंगा, करके देखते हैं चलो, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने कलर कौन सा ले लिया, इस बार मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को पीछे कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को पीछे कर दिया, अब देखते हैं ग्रीन लाइन जो जाएंगी होल में से क्या करती है। और इधर देखो गौर से, देखो साइज छोटा नहीं हो गया, ग्रीन कलर येलो के अंदर नहीं आ गया, तो इसका मतलब यहां पर जो इमेज बनेगा छोटा होएगा, इसका मतलब डी को इंक्रीज करने से। ऑप्शन ए, हाँ अब आपको समझ आ गया बेटे, तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही दिया। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स ए ट्री यूजिंग द पिनहोल कैमरा, शी डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द कैमरा एंड लुक्स एट द ट्री अगेन, द इमेज बोलो क्या आएगा? इसने डिक्रीज कर दिया तो साइज क्या बन जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज द हाँ लार्जर ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल, उसने डी को डिक्रीज करा तो शेडो इंक्रीज हो जाएगा, सीधी बात है, शेडो इंक्रीज। ओके तो इसका ऑप्शन हो गया सर सी ये हो गया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट हैपेंस इफ द अपर्चर ऑफ द पिन होल कैमरा इज इंक्रीज्ड? बोलो, अगर कोई अपर्चर का क्या मतलब होता है, इस सुराख को बोलते हैं, इस होल को टेक्निकली अपर्चर बोलते हैं। ओके लिख लो सभी बच्चे, होल ऑफ द पिन होल कैमरा इज कॉल्ड अपर्चर, अपर्चर होल जो माइक्रो होल होता है, ठीक है?
अब क्या होएगा, अगर होल का साइज हमने बड़ा कर दिया, व्हाट हैपेंस, इस होल का साइज अगर हमने छोटे से बड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो लाइट उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां पर शैडो बननी चाहिए थी, कुछ पोर्शन तक लाइट वहां पर पहुंच जाएगी, कुछ हद तक जहां पर शैडो बननी चाहिए थी, इसलिए शैडो पहले के मुकाबले धुंधली दिखेगी, उतनी काली नहीं दिखेगी जितनी काली तब दिख रही थी जब अपर्चर छोटा था। जितना होल छोटा रखोगे उतना शेडो ज्यादा डार्क बनेगा। अगर होल को बड़ा कर दिया तो आपका शेडो ब्लर्ड बनेगा, धुंधला बनेगा, कम काला बनेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा होल बड़ा करने से ज्यादा लाइट अंदर जाएगी और लाइट उस पोर्शन में भी पहुंचने में काफी हद तक कामयाब हो जाएगी जहां पर शेडो बना हुआ है। ओके, तो आप कह सकते हो ब्लर्ड इमेज विल बी फॉर्मड। बी ऑप्शन, अगर हाँ बी ऑप्शन, अगर ऑप्शन अगर ज्यादा ही बड़ा कर दिया तब तो फिर डिसअपियर ही हो जाएगा शेडो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में आओ। फिफ्थ क्वेश्चन, अजर्शन, पिन होल कैमरा कैन कैप्चर कलर फोटोग्राफ्स। ट्रू नो, फॉल्स। बताओ, आप बताओ, पिन होल कैमरा कैन फॉर्म कलर्ड फोटोग्राफ। फॉल्स दूसरा देखो, पिन होल कैमरा यूजेस ए लेंस टू सेपरेट एंड कैप्चर कलर्स। लेंस लगाया था हमने होल पे, क्या मैंने पिन होल कैमरा एक्सप्लेन करते हुए लेंस के बारे में कुछ बोला था या नहीं बोला था? नहीं बोला था, तो रीजन तो इसका गलत हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ पिन होल कैमरा कैप्चर्स एन इमेज बाय अलाइंग द लाइट टू पास थ्रू द स्मॉल होल। बिल्कुल सही, रीजन, साइज ऑफ द अपर्चर डिसाइड्स द ब्राइटनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द इमेज बाय द पिन होल कैमरा। रीजन भी ट्रू, अजर्शन भी ट्रू, इस बिल्कुल सही। ऑप्शन अब हम केस स्टडी पे चलेंगे। केस स्टडी, शाबाश, मैं चाहता हूं अपनी सिक्स्थ बी क्लास में एक बच्चा है प्यारा सा, पीयूष, सिक्स्थ बी में पीयूष, प्लीज कम ऑन द माइक। एब्सेंट। एब्सेंट, तो सिक्स्थ सी में मनवीर करके एक बच्चा है, सिक्स्थ सी मनवीर, प्लीज कम ऑन द माइक। मनवीर बेटे, आपने ये केस स्टडी वाला पैराग्राफ स्टडी पढ़ना है जल्दी से जल्दी, बाकी बच्चे पढ़ना शुरू करो अपने पर अपने आप। अच्छा बेटे, ऐसे है, ये केस स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं और आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है? और मॉड्यूल थ्रू में थ्री में देखो एक्लिप्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी आप पर्सनल लेवल पे करके आओगे, ठीक है? जितना भी हो सकता है रिफ्लेक्शन वाले भी कुछ ना कुछ आप खुद से करके आओगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और जिन बच्चों को आज का लेक्चर पूरा समझ आ गया वो अपने टीचर को दोनों हाथ वेव करके दिखाएंगे, दोनों हाथ। थम्स अप, थम्स अप, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।